पे एंड यूज लिखा हुआ है। अब यहाँ सब यहाँ बताइए, अग्नि मुद्रे के लिए भी टका देना पड़ता है आज के डेट में। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो ये पार्ट टू है, सिलीगुड़ी टू सिलीगुड़ी और गैंगटॉक बोलिए जो बोलिए। तो फिलहाल अभी बहुत जोर से भूख लगा है, तो एक ब्लॉग एंड किए तो सब लोग चालू किए, तो कुछ खाने वाला लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है, देखते हैं क्या लेते हैं, तो लेज भेज लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी ले चुके हैं लेज और फूट भी लिए और पानी मेरे पास है, तो अब चलते हैं सीट वीट लेते हैं उसके बाद निकलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हल्का भी होना, तो खोजते हैं कहाँ हल्का वहाँ हल्का होने वाला। टॉयलेट है क्या कि फर्स्ट टाइम आया भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन मिल गया शायद। पे एंड यूज लिखा हुआ है। अब यहाँ सब यहाँ बताइए, अग्नि मुद्रे के लिए भी टका देना पड़ता है आज के डेट में। अभी यहाँ है कहीं जगह फ्री वरी बुलाना है, हम लोग का बिहार है ठीक है, आराम से पैसा कहीं बिना पैसा वैसा नहीं लगता, कहीं चल जाइए सही है। तो फिलहाल रहने दीजिए, कहीं और खाली कर लेंगे पैसा, अग्नि मुद्रे पैसा थोड़े देंगे। चलते हैं फिलहाल सीट लेते हैं उसका मिलते हैं आपसे। सीट तो मिल चुका सबसे पीछे में, लेकिन सीट मिला है तो यहीं बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है, सोचिए ठंडा वंडा होगा, लेकिन वहाँ होगा लगता है ठंडा, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। फिलहाल खाते आते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ से मतलब आप जहाँ उतरिएगा वहाँ से सुमो उमो वाला बोलेगा, लेके जाएगा कि यहाँ यहाँ चलिए वहाँ चलिए, लेकिन वहाँ आपको जाना नहीं है, वहाँ आपको आ जाना एस एन टी आ जाना, फिर वहाँ आपको लगेगा 120-190 रुपये लगेगा यहाँ गैंगटॉक का। तो आप यहाँ से बस से जा सकते हैं, बस से बेच उसका, अगर सुमो उमो जाते हैं उसमें भी बहुत आदमी रहता है और रुपया ज़्यादा ले लेगा, 250-300 ले लेगा पक्का, और यहाँ से आपको 190 ही लेगा। फिलहाल अभी हम लोग बैठे हैं बस में, बहुत ज़्यादा ही मतलब गर्मी है भाई, हम सोचे ठंडा हो तो इसलिए हम स्वेटर वेटर पहन के आए, देख रहे हैं गाल के रखे हैं पीछे में, आज चश्मा तो ले लिया भाई, बहुत धूप है, हम तो सोचे नहीं थे यहाँ धूप होगा ऐसा, समझे पूरा बस में वो लग रहा है। तो फिलहाल आपको सिनेमेटिक चेक करें और व्यू एंजॉय करेगा, व्यू आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप कमेंट करके लिखे बताइएगा पार्ट टू को लगा कैसा, तो चलते हैं एंजॉय कीजिए। तो गाइस देख सकते हैं ये व्यू चेक करें आप, इतना गजब लग रहा है, कैमरा से आप महसूस नहीं करते लेकिन यहाँ से देख सकते हैं आप, इतना गजब लग रहा है। लेकिन यहाँ रोका है 10 मिनट के लिए, तो अभी रोका है यहाँ 10 मिनट के लिए कुछ खाने वाने के लिए, भूख इतना ज़्यादा लगा है ना मत पूछिए, मतलब डोलने लगा, अभी भी डोलने, अब सिक्किम में आएंगे कहीं भी कहा कि रोड मतलब जिलेबी देखे ऐसे ऐसे मोड़ता, अब लगता है कि खाई में कुछ देर बाद भूल जाएंगे, जान बचेगा हमारा सलाइयो बेच के खा लेंगे सलाई, लेकिन ये नई जगह नहीं आएंगे, आइए अपना कारोबार से आइए ठीक है, इधर ही अलग नशा में चल रहा है लोग क्या बता, यहाँ का लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, मजाक है मतलब क्या बता, आपको दिखाएं कि व्यू जो पीछे वाला चेक करें इतना जबरदस्त व्यू है। फिलहाल चलते हैं कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा ही भूख लगा है, और जब उतार देंगे सही सलामत पहुँचा देंगे तो ड्राइवर अंकल को धन्यवाद बोल देंगे, सलाह ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं मतलब फर्स्ट टाइम है, ऐसे ऐसे लग रहा है एकदम घुस जाएंगे, भूख बहुत ज़्यादा लगा है मतलब 5-10 घंटा हमको बैठा दिया ऐसे यहाँ बस में, चलते हैं कुछ खाते हैं उसके बाद आपसे। दो लेज ले लिए 20-20 वाला और पानी ले लिए भाई, बहुत ज़्यादा ही मतलब भूख लग रहा था, अब चलते हैं बस में फिर बैठ जाते हैं, मतलब भी बस छूट जाएगा भाई, रोड है बहुत डर लग रहा है, लेकिन एक व्यू है ना कसम गजब व्यू है यहाँ से, वो और चेक कराते हैं व्यू और भाई वो चेक करें, देख सकते हैं कितना अभी ऊँचाई पे, मैं खा मखा चला चला डर गया, तुम्हारे राम साथ सांस लेता गया। तो भाई देख सकते हैं ये इधर क्या है, अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, जब तक हम घूमेंगे नहीं तब तक नहीं पता चल रहा, तो चलिए आपको देख लें, पुलिस वुलिस लोग हैं
एमजी मार्केट है, देख सकते हैं। तो ये एमजी मार्केट है, लेकिन हम आएंगे, कल आएंगे, इसमें जरूर आएंगे घूमने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत 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 प्यारा नज़ारा है, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो फिलहाल अभी चलते हैं रूम पे, उसके बाद आपको कल आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये फाइनली पहुंच चुके हैं सिक्किम। तो मौसा जी आए थे रिसीव करने के लिए। तो अभी फिलहाल चलते हैं रूम पे, बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। मतलब क्या बताएं, बहर दिन मतलब लगता है कि फास्टिंग कर लिए हम, इतना भूख लगा है। कहीं बस रुक भी नहीं किया, रुका हम, चढ़े आए और फिलहाल अभी चलते हैं रूम पे, कुछ खाएंगे, बहुत ज़्यादा ही भूख लगा है। और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ये ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ही थक गए। तो फिलहाल इसे ढलान पर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हाँफ रहे हैं। तो अगर कमेंट करके ब्लॉग आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।